क्या आप भी एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी हैं? क्या आप भी बहुत सारे ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन है वो नहीं चूज़ कर पाते? क्या आपको भी घर में शांति का अनुभव नहीं होता, घर से भागने का मन करता है? आपको आपके मन को शांति नहीं है या आपके घर में हमेशा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ही चलते रहते हैं? जी हाँ, आज हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही मेजर इशू हमारे बन चुके हैं। नमस्कार, मैं पायल गुप्ता पिनाकल वास्तु से, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। क्या आप मानेंगे कि जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने बड़े जो इश्यूज हैं, वो हमारे घर के सिर्फ एक छोटे से जोन से जुड़े हुए हैं जो कि है नॉर्थ ईस्ट जोन, या इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। जी हाँ, ये हमारे वास्तु का मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन जो है वो माना जाता है। इसे हमारे घर में जो बहुत इसी मोस्ट ऑस्पिशियस जोन भी जो है माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है माइंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है, जो सब कुछ हमारे माइंड की स्टेबिलिटी जो है हमें इस जोन से मिलती है। अगर ये जोन हमारा सही नहीं होगा तो हम अपने लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, हमारे जो डिसीजंस हैं वो गलत हो जाएंगे, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। अगर यहाँ पर टॉयलेट आ जाती है, अगर यहाँ पर हैवी स्टोरेज आ जाता है, क्लटर आ जाता है, शू रैक आ जाता है, तो हम जो है हमारे आइडियाज़ सही तरह से काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो वास्तु पुरुष हैं, हमारे घर के जो वास्तु पुरुष हैं, उनका हेड इस जोन में माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट में माना जाता है। अगर कोई भी हम बल्कि चीज़ें, कोई हैवी आइटम्स, फर्नीचर, हैवी पाइप्स भी इस स्थान पर रख देते हैं, तो उसका जो बोझ है वो हमारे सिर पर महसूस होता है, हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। तो अगर यहाँ पर टॉयलेट आ जाता है तो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो डिस्पोज ऑफ होने लग जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि जो मिलियन डॉलर आइडिया, ये कहाँ से आता है? ये नॉर्थ ईस्ट से आता है। आपने कई बार देखा, आपने कई बहुत बार सोचा होगा, अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। जोमेटो है, जो ये ओला है, जो ओयो होटल्स हैं, इनका खुद का तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनका एक दिमाग का जो आइडिया है, जो बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं और लोगों की कारें यूज़ कर रहे हैं, लोगों के होटल्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो आइडियाज़ हैं ये हमें नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं। जो अगर हम हमारे इस जोन को सही रखते हैं, क्लटर फ्री रखते हैं, एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट्स को यहाँ से हटा देते हैं, तो हमारे भी जो माइंड में जो है क्लैरिटीज़ आने लगती हैं, हमारे डिसीजंस जो हैं वो सही होने लगते हैं, हम एक शांति का अनुभव करने लगते हैं। जो ये वाला जोन है हमारे घर के मंदिर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, अगर हम यहाँ पर मंदिर की प्लेसमेंट करते हैं। बट इस जोन में आपको मंदिर में कोई भी रेड कलर का जो है यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो जोन है इसको जल तत्व गवर्न करता है। जल तत्व में जब हम कोई फायर एलिमेंट डाल देते हैं तो जो है वो सही नहीं रहेगा। तो कोई भी रेड कलर का जो यूज़ है हम यहाँ पे नहीं कर सकते। इस जोन को जुपिटर या बृहस्पति, जो हमारा प्लैनेट है, वो गवर्न करता है। और आपको पता ही होगा जो गुरु ग्रह है, जो जुपिटर ग्रह है, उसका कलर है येलो। तो अगर हम इस जोन में येलो कलर यूज़ करें तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। हम मंदिर में, अगर मंदिर यहाँ है, तो वहाँ पर रेड कलर का यूज़ ना करके येलो कलर का यूज़ करें। येलो कलर के कर्टन्स या येलो कलर के जो क्लोथ्स वहाँ पर बिछाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पर आप मंदिर नहीं बना सकते हैं तो यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इस जोन को नीट एंड क्लीन रखिए, यहाँ पर बैठिए, आधा घंटा बैठिए, अपने प्रॉब्लम पर विचार कीजिए, तो आपको अपने जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं वो उनके हल आपको मिलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस जगह में अपने जो डिवाइन से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। अगर इसको मंदिर की दिशा ना बोलकर मन की दिशा बोलें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने मन से जुड़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई टॉयलेट आ जाती है तो यहाँ पे परमानेंट रेमेडी इस जोन में नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर आ जाता है, हेड आ जाता है। तो अगर यहाँ पे हम कोई परमानेंट रेमेडी करते हैं, कोई कट लगाते हैं, तो वो जो है हमारे दिमाग को, हमारे जो सिर है उस पे असर करती है। तो उसके रिलेटेड हमें जो है इशू हो सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाती है तो वो कैंसर का कारण बन सकती है। जो बिग इलनेस है, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं।